please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की 25वीं बरसी से ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू। अब इस मामले में अगली जिरह अगले साल 8 फरवरी को होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल और यूपी सरकार का पक्ष रख रहे एएसजी यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच जमकर बहस हुई। सिब्बल ने अदालत में दावा किया कि अदालत के सामने सभी दस्तावेज नहीं रखे गए। इस पर एतराज जताते हुए यूपी सरकार के वकील एएसजी तुषार मेहता ने दलील दी कि सभी दस्तावेज और ट्रांसलेशन की कॉपी रिकॉर्ड में मौजूद है। सिब्बल ने फौरन सवाल उठाया कि आखिर 19,000 पन्नों के दस्तावेज इतने कम वक्त में कैसे फाइल हो गए। सिब्बल ने कोर्ट के अंदर ये भी दावा किया कि उन्हें और दूसरे याचिकाकर्ताओं को सभी दस्तावेज नहीं सौंपे गए हैं। इसके साथ ही मौजूदा माहौल का हवाला देते हुए सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि ये मामला 15 जुलाई 2019 यानी अगले लोकसभा चुनाव के बाद सुना जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की जुलाई 2019 के बाद सुनवाई की अर्जी खारिज कर दी, जबकि शिया वक्फ बोर्ड ने इस मामले में पक्ष बनने के लिए कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। वहीं सुनवाई के दौरान अदालत में गर्मा गर्म बहस हुई। मुस्लिम पक्ष ने यह भी दलील दी कि अयोध्या विवाद का मसला संवैधानिक पीठ में भेजा जाए और इस मामले की सुनवाई 7 जजों की बेंच में करवाई जाए। सिब्बल ने सवाल उठाया कि आखिर इस केस को कुछ महीनों में निपटाने की जल्दी क्या है। इस पर हिंदुओं का पक्ष रखते हुए हरीश सालवे ने दलील दी कि 3 जजों की बेंच में ही इसका फैसला होना चाहिए और इस मामले को संवैधानिक पीठ में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। जिरह के दौरान हरीश सालवे ने यह भी कहा कि ये मुकदमा बरसों से पेंडिंग पड़ा है, इसलिए अगर अदालत जल्दी फैसला देना चाहती है तो इसमें बुरा क्या है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख का ऐलान करते हुए सभी पक्षों को पूरे दस्तावेज जुटाने का आदेश दिया। लेकिन केस की सुनवाई टलने को लेकर बयानबाजी भी जमकर हुई। हिंदू महासभा के वकील हरिशंकर जैन ने मुस्लिम पक्ष पर गंभीर आरोप लगाया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से बहुत पुरजोर कोशिश की गई कि मुकदमा आज शुरू न हो। दावा है कि कपिल सिब्बल सुनवाई छोड़कर भाग रहे थे, जिस पर उन्हें अदालत ने फटकार लगाई। इतना ही नहीं, अगले लोकसभा चुनाव के बाद बहस की दलील पर भी उन्हें लताड़ पड़ी। कोर्ट ने इसको बहुत स्ट्रांगली लिया कि चुनाव से बाहर में क्या माहौल होगा उससे कोर्ट का लेना देना नहीं। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई पर पूरी तरह दुरुस्त होकर आने का आदेश दिया। कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और उसमें कहा कि कुछ चीजें जो कमी है पूरी कर ली जाए और उसके बाद 8 फरवरी को बहस की जाए। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।